फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। सबसे पहले आप सभी सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। ठीक है, आज का सेशन कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं 83 अप्रैल और मई एग्जाम के लिए नया बैच, जो कि बिल्कुल फ्री होने वाला है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पर। जो साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आप सभी एक बार सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले आपको मैं बता दूं कि जितने भी प्लेलिस्ट को प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया गया है ऑलरेडी, तो जिसमें आप लोग आप त्रिपल सी प्रीवियस पेपर आप देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंस है। स्टूडेंट्स, तो आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, आप सभी को बहुत कम समय में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, तो आप हमारे इस जो ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर पढ़ाया गया है उसको आप जरूर देखें। मास्टर क्लास है प्लेलिस्ट, उसको भी आप देखें, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, और साथ साथ में इस लाइव क्लास में भी आप जुड़िए डेली रोज 8 बजे। ओके स्टूडेंट्स, डेली आपको जुड़ना है इस क्लास में 8 बजे करीब में, जो कि आपको डेली प्रोवाइड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए जाएंगे अप्रैल और मई एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टूडेंट्स, रेंज का नाम संख्या से शुरू हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बताना है कि रेंज का जो नाम है वो संख्या से शुरू हो सकता है। तो इसमें आप सभी का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, आप सभी को बताना है। तो जल्दी जल्दी बताइए आप सभी, क्वेश्चन नंबर वन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। Find the range name star with a number. तो जल्दी बताइए आप सभी स्टूडेंट्स। तो वह स्टूडेंट्स फॉल्स। तो जिन बच्चों ने फॉल्स बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर टू स्टूडेंट्स। तो यूपीआई में यू क्या है? तो आप सभी को बताना है कि यूपीआई में जो यू दिया हुआ है फर्स्ट लेटर, आप सभी को बताना है कि क्या है। जल्दी से बताइए आप सभी, व्हाट इज यू इन यूपीआई, जो कि ऑप्शन नंबर ए है यूनिफाइड, ऑप्शन नंबर बी है यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी है यूनिवर्सल और ऑप्शन नंबर डी है यूनिक। तो जल्दी से बताइए आप सभी, क्वेश्चन नंबर टू का राइट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर टू का राइट ऑप्शन बताना आप सभी को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यूनिफाइड। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर थ्री, निम्न में से किसने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया है? तो जल्दी से बताइए आप सभी, क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट ऑप्शन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो स्टूडेंट्स बताइए आप सभी जल्दी से, क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर फोर, इनमें से विषम कौन सा है? जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स आप सभी, क्वेश्चन नंबर फोर का राइट ऑप्शन बताना आप सभी को। क्वेश्चन नंबर फोर का राइट ऑप्शन बताइए जल्दी से, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑड। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए आप सभी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर फाइव, IMEI का पूर्ण रूप क्या है? तो जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स आप सभी, क्वेश्चन नंबर फाइव का IMEI का पूर्ण रूप क्या है, जल्दी से बताना है आप स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आपको लास्ट तक वीडियो जरूर देखना है स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम्स के लिए जो अप्रैल और मई एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, जो कि आपको लास्ट तक जरूर देखना है। और जिन बच्चों को पीडीएफ की आवश्यकता पड़ती है वो हमारे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो स्टूडेंट। बताइए जल्दी से आप सभी, क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सिक्स, ओटीपी क्यों यूज करते हैं? तो बताइए स्टूडेंट्स आप सभी, ओटीपी का यूज हम क्यों करते हैं, व्हाई यूज ओटीपी, ओटीपी का यूज हम क्यों करते हैं स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सेवन, लाइट पेन क्या है? स्टूडेंट्स आप सभी को बताना है कि लाइट पेन क्या है, तो व्हाट इज अ लाइट पेन। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए आप सभी, क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है आप सभी को, क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट ऑप्शन।
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इनपुट डिवाइस। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, क्लिप बोर्ड क्या है? तो जल्दी से बताइए स्टूडेंट साहब सभी, व्हाट इज अ क्लिप बोर्ड? तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन बताइए जल्दी से आप सभी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कॉपी या कट किए हुए टेक्स्ट को सेव करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, ओटीपी का पूरा नाम वन टाइम पासवर्ड होता है। तो जल्दी से बताइए स्टूडेंट साहब अभी, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? स्टूडेंट सी होगा आपका ट्रू। तो जिन बच्चों ने ट्रू बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट को फॉर्मेट नहीं किया जा सकता है। तो स्टूडेंट बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 10 का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? स्टूडेंट्स ये होगा आपका फॉल्स। जिन बच्चों ने फॉल्स बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11, आईडीएस का पूरा नाम बताइए। आईडीएस का पूरा नाम बताना आप सभी को, तो व्हाट इज द फुल नेम ऑफ आईडीएस? तो जल्दी से बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इंस्ट्रोजन डिटेक्शन सिस्टम। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, जब हम किसी शब्द के ऊपर लेफ्ट बटन क्लिक करके स्क्रीन के चारों ओर घूमाते हैं तो क्या होता है? बताइए स्टूडेंट साहब सभी क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन बताना आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन बताना है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, सिलेक्ट। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, लिब्री ऑफिस कैल्क प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन, लिब्री ऑफिस कैल्क प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या होता है? व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ लिब्री ऑफिस कैल्क प्रोग्राम? बताइए स्टूडेंट्स आप सभी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, .ods। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, एक डीवीडी उदाहरण है। बताइए स्टूडेंट्स आप सभी, एक डीवीडी उदाहरण है, किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन बताना आप सभी को। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्टिकल डिस्क डिवाइस का। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, कॉपीराइट के निशान को बनाने की शॉर्टकट की क्या है? तो जल्दी बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन बताना आप सभी को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? मेरे प्यारे बच्चों आप सभी बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन क्या होगा? प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? विच इज द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर द प्रोग्राम? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कोबोल। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है स्टूडेंट्स आप सभी बताइए, कोबोल भाषा का प्रयोग किसमें किया जाता है? कोबोल लैंग्वेज इज यूज्ड। तो जल्दी से बताइए आप सभी इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, व्यवसाय में। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी टॉगल कुंजी है? तो जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स आप सभी, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी टॉगल कुंजी है? तो आप सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन, विच ऑफ द फ्लोइंग की इज अ टॉगल की? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कैप्स लॉक एंड स्क्रोल लॉक। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, फेसबुक क्या है? व्हाट इज फेसबुक? बताइए स्टूडेंट्स आप सभी फेसबुक क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, सोशल मीडिया। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट्स। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, डिलीट कुंजी से किस तरफ का करेक्टर मिटता है? तो जल्दी बताइए स्टूडेंट्स आप सभी क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है?
डायरेक्ट पूंजी से किस तरफ का करेक्टर मिटता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर दाएं। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। लॉकर में रखे वस्तु के मालिक की मृत्यु के पश्चात वह बैंक का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? लॉकर में रखे वस्तु के मालिक की मृत्यु के पश्चात वो बैंक का हो जाता है क्या स्टूडेंट्स? तो आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑनर ऑफ द आइटम केप्ट इन द लॉकर इट बिकम्स अ बैंक। जल्दी से बताइए आप सभी, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? स्टूडेंट्स फॉल्स। तो जिन बच्चों ने फॉल्स बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। लिब्रे ऑफिस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं। तो अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर इज फाउंड इन लिब्रे ऑफिस। तो बताइए स्टूडेंट्स आप सभी, क्वेश्चन नंबर 22 का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का बताना है आप सभी को स्टूडेंट्स, ये होगा आपका ट्रू। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। मार्केटिंग बिजनेस के लिए आए हुए मेल को स्पैम कहते हैं। तो मेल रिसीव्ड फॉर मार्केटिंग बिजनेस इज कॉल्ड स्पैम। तो बताइए स्टूडेंट्स आप सभी, क्वेश्चन नंबर 23 का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? बताइए आप सभी, मार्केटिंग बिजनेस के लिए आए हुए मेल को स्पैम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन बताना आप सभी को। तो स्टूडेंट्स ये होगा आपका ट्रू। तो जिन बच्चों ने ट्रू बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। लिब्रे ऑफिस में सीटीआर प्लस एफ का वही काम है जो एमएस ऑफिस में है। तो बताइए स्टूडेंट्स आप सभी, क्वेश्चन नंबर 24 का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? इन लिब्रे ऑफिस डॉज सीटीआर प्लस एफ हैव द सेम फंक्शन एज इन एमएस ऑफिस। बताइए स्टूडेंट्स आप सभी, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स ये होगा आपका ट्रू। तो जिन बच्चों ने ट्रू बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। बिना पावर सप्लाई के कंप्यूटर लॉक को ब्लॉक को मेंटेन नहीं कर सकता। बताइए स्टूडेंट्स आप सभी, क्वेश्चन नंबर 25 में आपका ट्रू होगा या फॉल्स होगा? कैनॉट मेंटेन कंप्यूटर क्लॉक विदाउट पावर सप्लाई। बताइए स्टूडेंट्स आप सभी, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका होगा फॉल्स। जिन बच्चों ने फॉल्स बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। लिब्रे ऑफिस को ऑनलाइन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। बताइए स्टूडेंट्स आप सभी, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ट्रू होगा या फॉल्स होगा इसमें? तो कैन लिब्रे ऑफिस बी डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड ऑनलाइन? क्वेश्चन नंबर 26 का बताना आप सभी को। तो स्टूडेंट्स ये होगा ट्रू। तो स्टूडेंट्स लिब्रे ऑफिस को आप ऑनलाइन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं स्टूडेंट। इसका क्वेश्चन नंबर 26 का आपका होगा ट्रू। तो जिन बच्चों ने ट्रू बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27। एक्सेल से वर्ड में चार्ट इंसर्ट करना संभव नहीं है। तो बताइए स्टूडेंट्स अभी संभव है या नहीं है? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? इज इट नॉट पॉसिबल टू इंसर्ट चार्ट फ्रॉम एक्सेल इन टू वर्ड? बताइए स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन नंबर 27 का स्टूडेंट्स फॉल्स। तो जिन बच्चों ने फॉल्स बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28। स्लाइड सॉर्टर्स व्यू बटन स्लाइड को अल्फाबेट के क्रम में अपने आप सॉर्ट करता है। बताइए स्टूडेंट्स सभी, क्वेश्चन नंबर 28 का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? द स्लाइड सॉर्टर व्यू बटन ऑटोमेटिकली सॉर्ट स्लाइड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बताइए स्टूडेंट्स सभी, ट्रू होगा या फॉल्स होगा क्वेश्चन नंबर 28 का? होगा स्टूडेंट फॉल्स। तो जिन बच्चों ने फॉल्स बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29। इंटरनेट को भविष्य में हम इंटर स्पेस कहेंगे। तो बताइए स्टूडेंट्स आप सभी, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन, ये लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इस वीडियो का। तो बताइए आप सभी, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन ट्रू होगा या फॉल्स होगा? इन फ्यूचर वी विल कॉल इंटरनेट एज इंटर स्पेस। क्वेश्चन नंबर 29 का आपको सही जवाब देना है, जल्दी से दीजिए आप सभी। होगा स्टूडेंट्स ट्रू। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट्स। आप लोग रेगुलर आप 8 बजे आप हमारे साथ रोज जुड़िए। हमारी तरफ से प्रोवाइड किया गया कंटेंट आपको बिल्कुल बेस्ट कंटेंट मिलेगा। हम यहाँ पे रिसर्च बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जिसे आपको डायरेक्टली एग्जाम में हेल्प मिलेगी। अगर आप हमारी कंटेंट पर थोड़ा सा भी टाइम देंगे तो 100% आपको काफी बेनिफिट्स मिलेगा। हर
मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश रहती है कि आपको हमें अपना बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करें, ताकि आप जो भी टाइम हमें देते हैं या हमारे क्लासेस में देते हैं, तो उससे आपको एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट मिले। तो विश यू ऑल द बेस्ट। तो आप डेली रात 8 बजे जुड़िए हमसे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।